पेड़ पौधों का पूरा जंगल हो गया इधर, बहुत सारे साग हैं यहाँ पे, क्योंकि हर दिन खाता रहता हूँ। कौन कौन से साग है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे हैं। हे बॉस व्हाट्सअप, अभी टाइम हो रहा है, खैर टाइम छोड़, घर में जब रहता हूँ मैं टाइम देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही लज्जा आने लगता है कि इतना लेट करके मैं उठ रहा हूँ। तो 11:30 कुछ तो हो गया टाइम। बाहर का वेदर देख सकते हो, धूप काफ़ी सही है, उतना तेज़ भी नहीं है, हवा भी ठीक ठाक चल रहा है। देख सकते हो पर्दे वर्दे हिल रहे हैं हल्का हल्का सा, ये देखो यहाँ पे पता चलेगा, तो थोड़ा बहुत हवा आ रहा है, उतना ज़्यादा भी गर्मी नहीं कल के मुकाबले। अभी पता नहीं, बाद में शायद ज़्यादा हो सकता है, बाद में देखेंगे। अभी चलता हूँ मैं नीचे चाय वाय पीना, और कुछ करना है क्या करना है क्या नहीं कुछ पता नहीं। आज वैसे कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, उसका कारण मैं नहीं है, आज सर नहीं है हमारे, सर थोड़ा दूसरे काम में बिजी है, तो इसीलिए कॉलेज हमने छुट्टी करवा लिया अनऑफिशियली। कोई नहीं जा रहा शायद, मेरे ख्याल से पता नहीं, शायद कोई नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा हूँ इतना मुझे पता है। तो चलो चलते हैं नीचे, देखते हैं कि कुछ काम वाम बचा हुआ है कि नहीं। अब वो फैन आ गया, मैं दिखाता हूँ फैन इधर रूम में होगा, ये फैन बन के आ चुका है, और इसका कॉयल चेंज हो गया, इसीलिए ये स्लो स्पीड में नहीं चल रहा, फुल स्पीड देखो कितना स्पीड है, इंसान उड़ के चला जाए इतना ज़्यादा स्पीड है। मैंने दुकान से बात किया, जो इलेक्ट्रिशियन ने जिन्होंने सराहा उनसे बात किया, तो वो बोल रहे कि कॉयल चेंज अगर होगा तो कंपनी की तरह हम लोग कॉयल नहीं बना सकते, मतलब इसमें वो रेजिस्टेंस नहीं डाल सकते कि फ़ैन धीरे भी चले और फास्ट भी चले। बोल रहे कि वो डालने से वो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाता है, इसीलिए उसको डाल के फ़ायदा नहीं है, हाई स्पीड में चलो। मैंने बोला ठीक है, फ़ैन चलने से मतलब है गर्मी में फ़ैन चलना चाहिए, और गर्मी में तो हाई स्पीड में ही चाहिए, और सर्दी के मौसम में तो ये फ़ैन ज़रूरत होता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ये फ़ैन तो खैर सही हो चुका है, इसको वैसे ही रहने देते हैं, अभी तो मैं बैठूंगा नहीं, बैठता तो अलग बात था, इसको वैसे यहीं पर रखने देते, मैं नीचे चलता हूँ। वहाँ से कुछ काम नहीं था, वक्त मतलब कैफे में बैठ के थोड़ा बहुत वीडियो देख रहे थे, अभी फ़िलहाल काम मिला है दो एक साथ। पहले बात तो बाबा दादा के दुकान से कुछ सामान लेके आना पड़ेगा, बाबा दादा का दुकान जल्दी बंद होने वाला है, टाइम 1 बजे के आसपास हो चुका है। धूप है लेकिन उतना भी तेज़ नहीं है, हवा बीच में थोड़ा बहुत चल रहा है, गर्म हवा नहीं है वो, तो ठीक ठाक है। बैग ले लिया, सामान ले लेते हैं, उसके बाद वापस आके फिर सुबुदा के साथ निकलना है, थोड़ा और काम है बाहर, वो पता नहीं क्या है, पहले ये वाला ख़त्म कर लो फिर दूसरा वाला देखेंगे। मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए ज़्यादा, एक बार में एक ही काम वही बेहतर है ना, इतने गर्मी में थोड़ा वेदर सही हो जाए उसके बाद मल्टीटास्किंग सही रहेगा। वेदर काफ़ी सही सा हो चुका है, चलो हाँ जी, अभी यहाँ पे आ चुका हूँ कस्टमर सर्विस पॉइंट पे, यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करना है, जो कि हमारा हर दिन का पहला काम होता है। तो पूरा आ रहा है इधर से, वेदर वैसे काफ़ी सही हो गया, गर्मी थोड़ा बहुत है लेकिन धूप चला गया ऑलमोस्ट, यहाँ से हम सब काम खत्म करते हैं पहले, फिर निकल के कहीं और जाना। इलाहाबाद बैंक में लिंक नहीं है, इलाहाबाद नहीं है, अभी इंडियन हो चुका है, लेकिन लिंक हर दिन ही रहता नहीं है, पहले भी नहीं रहता था, अभी नहीं रहता। वैसे ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत नहीं होता, लेकिन डिपॉजिट करने में CSC में दिक्कत होता है। घूम के आते हैं, उधर भी ऑप्शन है CSC है, जिसका मशीन कभी भी सही नहीं रहता, आज भी देखेंगे। उसके बाद आज बहुत कुछ लगा दिल को, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे कस्टमर सर्विस पॉइंट जो है SBI का, उसमें भी डिपॉजिट हुआ है आज, पर लगा नहीं था कि हो जाएगा लेकिन हो गया। चलो बाइक लेकर निकलते हैं, यहाँ से काम जल्दी हो गया, अभी इलाहाबाद में नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर ही हो गया काम। लेकिन CDM एज ऑलवेज, अभी तक उसमें नया मशीन बैठा है, लेकिन एज ऑलवेज कुछ हुआ नहीं है, मतलब मशीन में कनेक्शन अभी तक बना नहीं, वो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। खैर हमारा काम बन गया, अभी थोड़ा सा घूमते हुए चलते हैं। पेड़ पौधों का पूरा जंगल हो गया इधर, बहुत सारे साग हैं यहाँ पे, क्योंकि हर दिन खाता रहता हूँ, कौन कौन से साग है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे हैं। घर वापस आ गया हूँ, गर्मी थोड़ा बहुत लग रहा है, शरबत तो पी के आया हूँ, ना पीने से भी चलेगा, नहाना है थोड़ी देर में, अभी नहीं, पहले अंदर चलते हैं। बाहर धूप उतना तेज़ नहीं है, लेकिन वेदर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इस कारण से चलते हैं, थोड़ा अंदर चलते हैं, हवा में बैठते हैं। इस वक्त बाहर काफ़ी सुंदर सा वेदर है, मैं थोड़ी देर पहले ना आगे निकला हूँ, 4 से 4:30 बज रहे हैं, बाहर का वेदर देख सकते हो कितना बढ़िया है, सूरज है, लेकिन तापमान जो है वो नहीं है, पैर थोड़े बहुत गर्म लग रहे हैं, क्योंकि जितना भी धूप से तपा था छत, वो धूप अभी तक छोड़ नहीं पाया, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, लेकिन वेदर काफ़ी सही हो चुका है, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, मज़ेदार वाला। मैं नहाने के बाद, निकलने के बाद थोड़ा बहुत डांस प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए थोड़ा सा मैं हाँफ रहा हूँ अभी, लेकिन गर्मी की वजह से नहीं है, क्योंकि गर्मी इस टाइम पे उतना ज़्यादा नहीं है, सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत था, दोपहर के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हुआ था,
इस टाइम पे नहीं है। देखो उधर जो घर बन रहा था वो धीरे धीरे बन रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है उधर, काम मतलब धीरे धीरे हो रहा है, बस मेरा ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हर जगह पे हर किसी का डेवलपमेंट ही हो रहा है, मैं जहाँ भी मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखो जामुन देखो, छोटे मोटे काले कलर के हो चुके हैं, इन सबको तोड़ना पड़ेगा, है ना। बाल मेरे सूख जाए फिर मैं चल के थोड़ा सा बैठूँगा, मज़ा आने वाला है। आज भी मैच है, वर्ल्ड कप का मैच तो हर दिन है। कल तो ऐसे मतलब इंडिया के लिए बहुत इजी वाला कल मैच था, आयरलैंड के साथ था ना, आसानी से जीत गया। उतना भी मज़ा नहीं आया मतलब गेम में, जो क्या है, मैं इंडिया में हूँ, इंडिया का सपोर्टर तो मैं हूँ, इंडिया जितना बढ़िया तरीके से मैच जीतेगा उतना अच्छा लगेगा, लेकिन गेम में जो है ना वो लड़ाई करके जीतने वाला मज़ा वो ज़्यादा मज़ा आता है, कि टफ सिचुएशन हो उस सिचुएशन में जीतने में वो देखने में मज़ा आता है। वैसे तो इंडिया जीतेगा उससे ज़्यादा मज़ेदार कुछ चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा और ज़्यादा मतलब 150 के आसपास वो क्या बोलते हैं उसको टारगेट होता, और मतलब रोहित शर्मा ने कल बहुत मारा, लेकिन 150 के पास टारगेट होता तो और भी मारता, और मज़ा आता। 50 किया था, 100 होता तो और भी मज़ा आता, है ना। चोट लग गया कभी, वही मेन बात है, थोड़ा बहुत लगा है लेकिन लगा तो है, थोड़ा और टारगेट होता और मज़ा आता। लेकिन खैर नेक्स्ट मैच जो आने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान शायद 9 तारीख को है, उसमें मज़ा आएगा। मतलब आज तो कुछ मैच है, आज भी मैच देखेंगे, आज कोई सा भी मैच है, शायद कल वाला USA में था, आज शायद वेस्ट इंडीज़ में हो, देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे खड़े रह के कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि हवा उतना बढ़िया लग नहीं रहा है, थोड़ा बहुत हवा बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में नहीं आ रहा है, गर्मी भी नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, फील नहीं है यहाँ, ना गर्मी है ना बढ़िया हवा चल रहा है। मैं काम करता हूँ नीचे चल के बैठता हूँ आराम से। समय हो रहा है काफ़ी तेज़, मतलब काफ़ी ज़्यादा भी नहीं, 7:05 बाकी है, बाहर तो अंधेरा बढ़िया तरीके से हो चुका है। मैं चलता हूँ नीचे, थोड़ा सा पसीने पसीने हो गए, डांस प्रैक्टिस कर रहा था, इधर गर्मी भी बहुत है ना तो उस कारण से भी चल रहा है, तो चलते हैं नीचे, नीचे बैठ के आज मैच भी है वो भी देखेंगे थोड़ा बहुत, और देखते हैं कुछ किया जाए। यहाँ पे एक ये रखा हुआ है, ये भी लेके चलते हैं, इसके अंदर वेफर से चॉकलेट वाला, ये भी लेके चलते हैं, खाते खाते सब चीज़ होगा, है ना। ये जो चीज़ें जब ये जा रहा है ना, ये सबसे फालतू एक वाहन लगता है मुझे, इतना साउंड करता है ना, इतना ज़्यादा साउंड, बहुत ही ज़्यादा साउंड करता है, मतलब इसके आसपास में जाओ तो कुछ भी बातें करो सुनाई नहीं देगा, इतना ज़्यादा साउंड करता है। वैसे काम वाला चीज़ है, बहुत कुछ काम होता है उससे, लेकिन बहुत ज़्यादा साउंड इसी चीज़ के अंदर, मतलब ट्रैक्टर के अंदर अगर कुछ ऐसा किया जाए कि साउंड जो है इसका साउंड को कम कर दिया जाए, मतलब साउंड प्रूफ कुछ चीज़ लगाना जाए तो मज़ा आ जाए, ऐसा कुछ अगर हो गया, शायद हो सकता है पॉसिबल हर चीज़ है, शायद बाद में हो जाए, लेकिन उसके लिए शायद बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसीलिए नहीं बनाते कंपनी में भी शायद, क्योंकि ये तो ज़्यादातर खेतों में चलते हैं या फिर रोड में सामान ले जाने के लिए, वो चिपस्टोन या फिर हो गया रेत या फिर ईट, ये सब तो उसमें ध्यान लोग ज़्यादा देते नहीं है ना, कमर्शियल के लिए होता है इसीलिए। यह अगर प्राइवेटली व्हीकल यूज़ होता ना तो इसमें कब का बन जाता वो चीज़ साउंड प्रूफ, क्योंकि लोगों को कानों में चुभता बना देते, ये काम करने के लिए है इसीलिए उसमें बना देनी है, मेन बात यही है। वो खैर मैच आज 8 से नहीं है, 9 से है, तो 9 में भी बाकी है टाइम, 8:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, और बाहर भी वहाँ जो रोशनी है वो काफ़ी मस्त है नाइट लाइट के हिसाब से, मतलब स्ट्रीट लाइट्स के हिसाब से, लेकिन हमारा गली जो है ये बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। खैर छोड़ो, अभी कैफ़े का काम तो थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया, इस टाइम पे और कस्टमर आएंगे मुझे लगता नहीं है, और मेन बात है कि कैफ़े बंद हो जाएगा अभी, और बाहर जाने का भी आज कुछ प्लान नहीं है इस टाइम पे, वेदर सही हो चुका है, उतना भी गर्मी नहीं लग रहा है, तो बाहर नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिलहाल अंडरस्टैंडिंग हो गया।